जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेवटा आपका दक्षिणी क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज अपने एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग वेव। देखिए वेव अगर आप इसे देखें ना तो 11th में गाड़ी 3 गियर में मूव करती है। सबसे पहले मैकेनिक्स वाले गियर में गाड़ी मूव करती है, मैकेनिक्स हम पूरा पढ़ते हैं, फिर हम गियर शिफ्ट करके हम चलते हैं वेव वाले पार्ट पे। वेव एक अपने आप में एक अलग गियर है 11th का। और अगर आप थर्ड सेगमेंट की बात करें दैट सेगमेंट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर हम 11th को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स वाला पार्ट SHM तक आप देख सकते हैं, उसमें सब मैकेनिक्स वाली चीज़ें हो रही है, फोर्स वगैरह वो सब चीज़ें हो रही है और एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वो सब चीज़ें हम निकालते थे। यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो वेव थोड़ा सा अलग फिनोमिनन है आपके पास पे, एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग ब्रांच होगी एक तरीके से। उसके बाद में थर्ड पार्ट पढ़ते दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। तो 3 पार्ट में आपको 11th को पढ़ना पड़ता है। अगर आप बात करेंगे सबसे इजी वाले पार्ट की तो मैकेनिक्स दिखता है बहुत बढ़िया ढंग से, मैकेनिक्स दिखता है तो इस वजह से मैकेनिक्स फेवरेट रहता है, वो लोगों को आसानी समझ में आ जाता है। स्ट्रिंग वेव अगर आप बात करेंगे इस वेव वाले सेगमेंट में, तो वेव हम ऐसे ना वेव हम फिजिक्स में कई जगह पढ़ेंगे। आप स्ट्रिंग वेव पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग वेव, इसके बाद में हम पढ़ेंगे साउंड वेव, और एक बार जब आप 12th में जाएंगे तब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स 12th में कोर टॉपिक है दैट इज EM वेव, वहां पे भी वेव है आपके पास में। तो कुल मिलाकर 4 जगह आप 12th में पूरी फिजिक्स में 11th 12th के आप वेव पढ़ते हैं, साउंड वेव में, स्ट्रिंग वेव में, वेव ऑप्टिक्स में और EM वेव के अंदर। अब अगर अपने चैप्टर स्पेसिफिक की बात करें तो वेव में मतलब बहुत सारी वेव्स होती है, पर हम यहाँ पे स्पेसिफिक वेव की बात करेंगे, दैट वेव इज स्ट्रिंग वेव। हम जो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव चल रही है उसकी बात करेंगे, साउंड वेव की बात करनी है उसके आगे, फिर हमारे पास में जो लाइट है दैट इज EM वेव उसकी बात करनी है हमें। सिमिलरली हमारे वे उसी कंसेप्ट पे लाइट के ही वेव के कंसेप्ट पे एक चैप्टर है, उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, हम उसको भी डील करेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले चैप्टर के स्पेसिफिक, स्ट्रिंग वेव के स्पेसिफिक या फिर साउंड वेव के स्पेसिफिक, तो इन दोनों चैप्टर्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, मतलब कई चीज़ें हैं जो मैच करती है आपके पास में स्ट्रिंग वेव में साउंड वेव, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अप्रोक्सीमेट सेम ही है। यहाँ पे जैसा मैथमेटिक्स होता है वैसा ही साउंड वेव में होता है मैथमेटिक्स। चैप्टर अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर टफ है, चैप्टर मतलब जितना पहले वाला चैप्टर आसान थे, मतलब थोड़ा सा इसमें चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, मतलब जैसे हम बात करेंगे अगर काइनामेटिक्स की, NLM जब आपने पढ़ा होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें क्या हुआ होगा जब एक बार आपने जो फॉर्मूला पढ़ लिया उसी फॉर्मूले पूरा चैप्टर निकल गया, ऐसा ही हो रहा था भाई साहब। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फिजिक्स बुक MA था बस, उसी में पूरा चैप्टर निकल गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप सेंटर ऑफ मास में देखेंगे तो 1-2 फॉर्मूले थे बस, उसी से मतलब की कंसेप्ट था वो 1 या 2 कंसेप्ट थे, उसी पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कर करके उनका टफनेस लेवल को बढ़ाया गया था। यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अब से मतलब अगर आप देखेंगे मतलब वेव वाले सेगमेंट के बाद से पूरी फिजिक्स में आपके पास ऐसे रहेगा बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, एक चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मतलब आपके पास कई फॉर्मूलेज आपको दिखाई देंगे, कई प्रोसेस मतलब कई प्रोसेस दिखाई देंगे जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इसमें चीज़ें अलग अलग है, तो आपकी थ्योरी पार्ट ढंग से क्लियर होना जरूरी है। आपको यहाँ पे नोट्स ही प्रॉपर रिवाइज करने पड़ेंगे। 11th वाले पार्ट में जैसे स्टार्टिंग वाले पार्ट में थे उसके आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर इसमें क्या है अगर आपने अभी आपको आ गया फिर आपने रिवाइज नहीं किया फिर वापस भूल जाएंगे, तब प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। यहां से आगे पूरे 12th वाली फिजिक्स में भी ऐसा ही, आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेगी एक ही चैप्टर के अंदर, तो आपको उनको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना। तो अब मेरे बात करें स्ट्रिंग वेव में कई सारी चीज़ें हैं, और अगर आप कई कई जगह मैथमेटिक्स देखें तो बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स भी यूज़ होता है, पर इसमें एक बेनिफिट ये है कि इससे सवाल बहुत आसान आते हैं। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में स्ट्रिंग वेव में साउंड वेव में जगह पता है, जगह पता है वैसे कहाँ से सवाल आता है, बस वहीं से सवाल आता है, उसके अलावा सवाल छेड़ता ही नहीं कहीं उससे, और जो सवाल आते हैं वो कंसेप्ट सबके सब बहुत आसान है। पर अपने पास टाइम है तो अपने बिल्कुल चैप्टर को पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, पर मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा भाई साहब यहाँ से सवाल आएगा, और जब आप प्रीवियस उठा के देखें तो आपको दिखाई देगा हाँ मास्टर ने जो 4-5 जगह बताई है वहीं से सवाल आया, उसके अलावा कहीं से एक सिंगल सवाल नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? एनर्जी वाला पार्ट है इसके अंदर, वो अच्छा मैथमेटिक्स है पर उसे पूछता नहीं है, तो जिस चीज़ें नहीं पूछता उस पर हम वेटेज भी कम रखेंगे, पर मैं आपको इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा हर एक चीज़ से इस चैप्टर के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा चीज़ें थोड़ी मैथमेटिकल है, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स से प्यार करना पड़ेगा, उसे डरना नहीं है, अगर आप उसे डरेंगे तो मार खा जाएंगे। देखिए अगर आपको कुछ भी डर लग रहा है तो आप उसे फाइट कीजिए, वो चीज़ स्मूथ हो जाएगी, उसे डरेंगे तो वो मार देगा ना आपको। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको दिखाई दे सकता है चैप्टर के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मिनिमाइज करके रखूं, तो हमारे पास तरीके हैं जिससे गणित आपको कम से कम हो, तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा तो उससे आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए अपने बिना टाइम खराब किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके सामने एक बोतल को रखा गया ना, यहाँ पे ऐसे एक मान लीजिए कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बोतल को रखा गया। मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है ऐसे, ये हाथ है ये पैर, ठीक है भाई साहब, पतला पैर सीधा कोई, ठीक है सीधा आदमी खड़ा है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला भाई साहब इस बोतल को डिस्टर्ब करके आया,
ये जो बोतल है इसको डिस्टर्ब करके आना है, मतलब इसको एनर्जी देनी है, कुछ बोतल को एनर्जी देने है, मतलब जब आप बोतल को एनर्जी देंगे तो बोतल से डांस करेगी। सही बात है, अगर आप बोतल ऐसे मार देंगे ठक तो बोतल ऐसे डांस करेगी, ज्यादा जोर से मारेंगे बोतल गिर जाएगी, थोड़ा सा मारेंगे थोड़ा सा हिलके रह जाएगी। एनर्जी देना समझ में आता है, जैसे मैं ये बोतल आपके सामने टेबल पर पड़ा थोड़ा सा टर्न कर दो तो भाई साहब उसको आपने एनर्जी दे दी, तभी वो ऑसिलेट कर रहा है, कुछ वेलोसिटी दे रहा है, कुछ कुछ चीजें। तो कोई मेरा मेरा है कि भाई मैं इस बोतल को मोमेंटम देना चाहता हूँ या फिर एनर्जी देना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मोमेंटम देंगे क्या मोमेंटम, मतलब मोमेंटम यार फोर्स मोमेंटम लिंक्ड है ना आपस में, अगर आप फोर्स करेंगे तो मोमेंटम आएगा। तो कुल मिला के आपको इसे फोर्स लगाना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आपको इसको मोमेंटम देना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आपको इसको एनर्जी देना है। तीन शब्दों में बात कर ली, बात एक ही है। क्लियर? तो आपके क्या क्या तरीके हैं, आप क्या बोलेंगे जी? मेरा तरीका नंबर वन, मेथड नंबर वन क्या है? मेथड वन है भाई साहब मैं खुद जाऊं, मैं खुद यहां चल के जाऊं, टक 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 यहां पे पहुंच गया, आपने बोला ये ला एनर्जी, अब उसको एनर्जी मिल गई। सही? तो इसके अंदर क्या वो मेथड वन में क्या है, सोर्स विल, सोर्स ऑफ एनर्जी विल मूव, जो एनर्जी का सोर्स था वो बंदा खुद गया, उसने जाके उसको एनर्जी दे दी। ठीक ठीक है। मेथड टू मैंने बता, और क्या तरीका हो सकता है तेरे पास, तू सोच के बताया और क्या तरीका हो सकता है। मैं तुझे बोलूं कि यार उसको एनर्जी देनी है, और क्या तरीका हो सकता है? तो एक तरीका तो हो गया आप खुद गए, आप खुद ने जाके थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। तो आप जैसे अपने बात करेंगे ना तो उसको आप देसी भाषा में लिखिएगा, देसी भाषा समझते हैं आप, आपकी जो मदर टंग है उसमें आप लिख लेंगे तो आपको इजीली चीज चमक जाएगी। जैसे मैंने जिसको आपने किया कि बंदा खुद गया जाके उसको हिला के आया, या फिर आप मतलब आपको जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगे, हर एक चीज हम लिखवा नहीं सकेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपनी मदर टंग में लिख लीजिए, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, क्या भाई साहब अगर आप बंगाली हैं, बंगाली कोई भी हो, तो आप अपनी देसी भाषा में लिख लीजिए। उससे क्या है कि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो वो चमकेगी आपको, जब आप कुछ लिखा होगा ना आपकी देसी भाषा में तो आपको दिखेगा भाई साहब अच्छा ये साइड में लिखा हुआ है, वो आपको अलग से चमकेगा, उसके साथ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है फिर पहले पढ़ो फिर उसको समझो तो थोड़ा टाइम लेता है, देसी भाषा में लिखा फटाफट दिमाग में चमक गया अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, थोड़ा सा उससे हेल्प मिलेगी ना आपको। तो हमने एक तरीका तो ये हो गया भाई साहब कि सोर्स खुद गया और जाके एनर्जी उसने दी, सोर्स ऑफ एनर्जी विल मूव एंड गिवन एनर्जी टू वॉटर। ठीक है, अब भाई साहब मेथड नंबर टू क्या हो सकता है, मेरे जेब में पत्थर से मैंने ऐसे पत्थर निकाले, पत्थर निकाल के टक मारा तो पत्थर इस पे जाके लगेगा, तो पत्थर जब इस पे जाके लगेगा तो कुछ एनर्जी मिलेगी, फिर डांस करेगा, फिर दूसरा पत्थर मारूंगा टक जाके लगेगा। तो इसमें क्या रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? तो आप किसी मीडियम को भेज रहे हैं, ये पत्थर क्या है, मीडियम है, मैं इस मीडियम को एनर्जी देता हूं भाई, ये मीडियम मतलब यही हुआ ना, आपने इस पत्थर को बोला भाई साहब ये ले एनर्जी लेके जाओ उस बोतल को मार दे, तो आपने ऐसे एनर्जी दी जाके मार देता है, पत्थर को एनर्जी तो आपने दी ना। तो इसमें क्या हुआ, मीडियम के पार्टिकल्स गए, जो मीडियम के पार्टिकल थे वो गए और उसने जाके वहां पे उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। समझ में आ गई बात? तो अगर हम बात करेंगे मेथड टू तो क्या किया भाई साहब, पत्थर मारा अगर आप इंग्लिश में इंग्लिश में लिख लीजिए, ये देसी भाषा में लिख दिया ना पत्थर मारा, अब इसका मतलब पत्थर मारा, पर इसमें अगर आप फिजिक्स की टर्म बात करें तो क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज गिवन टू मीडियम पार्टिकल एंड मीडियम पार्टिकल इटसेल्फ मूव टू गिव एनर्जी। ऐसे ही सिंपल भाषा में पत्थर मार दिया और आप पूरी कहानी दिखा चाहें तो ये एक्सप्रेशन हो गया कि हमने मीडियम में पार्टिकल को एनर्जी दी, वो मीडियम में पार्टिकल गया उसे जाके एनर्जी बोतल को ट्रांसफर कर दी। एक और मेथड है, मेथड थ्री क्या हो सकता है आपके पास, आप एक काम कीजिए, यहां से रस्सी बांध दो ऐसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसके मुंह में नहीं है, हाथ है ना यहाँ पे, ऐसे हाथ मान लो इसका, ऐसे पहुंचे कुछ बात समझ में आ गई, ये हमने क्या बना दिया इसके अंदर स्ट्रिंग बना दिया, ऐसे एक स्ट्रिंग को बोतल से बांध के आदमी ने हाथ में पकड़े, तो फील कर तेरे सामने, मतलब खुद फील करके देख, तेरे सामने एक बोतल पड़ी है तो उसे स्ट्रिंग बांध के आप उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है। अब आप कैसे एनर्जी दे सकते हैं, आप स्ट्रिंग को एनर्जी दीजिए टक, स्ट्रिंग को ऐसे एनर्जी देंगे टक, तो स्ट्रिंग में क्या बनेगी, एक ऐसे पल्स बनेगी, ये पल्स आगे 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 जाएगी और फाइनली जाके उस बोतल से टकराएगी, जब बोतल टकराएगी तो बोतल डिस्प्लेस होगी। तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को झटका देंगे, स्ट्रिंग में एक पल्स बनेगी ऐसे,
ऐसे पल्स बनेगी। अब ये पल्स किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये पल्स जा रही है, जा रही है, अभी तक मोटर को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, अब ये मोटर कुछ हो भी नहीं रहा है, सिर्फ स्ट्रिंग आगे जा रही है, मोटर के पास नहीं पहुंची, नहीं पहुंची, नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। जैसे ही ये पल्स यहाँ पे जब इस मोटर के पास पहुंचेगी तो स्ट्रिंग नहीं जा रही, पल्स जा रही है। जैसे ही ये पल्स यहाँ पे जा रही है तो स्ट्रिंग को कुछ, सॉरी, इस मोटर को कुछ पता नहीं लग रहा, पर जैसे जैसे पल्स आगे बढ़ते बढ़ते मोटर के पास में पहुंच जाएगी, जैसे ही ये वाले यहाँ पे पहुंचेगी तो मोटर को झटका जाएगा। सही है ना, ये वाली बात, बोटर को झटका लाएगा मतलब उसके पास में एनर्जी चली जाएगी। ऐसा ऐसा आपने किया है, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए आपके दोस्त है, आपने उसको एक रस्सी पकड़ाई, आपने भी एक रस्सी पकड़ी, अब आप देखिए यहां से ऐसे एक पल्स बना के छोड़ी ऐसे टक, तो पल्स क्या होगी, वो पल्स ऐसी ऐसी शेप की बनती है, वो ऐसे आगे 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 चलेगी, जब तक उस बंदे के हाथ तक नहीं पहुंचेगी, आपके दोस्त के हाथ तक, तब तक उसे कुछ पता नहीं लगेगा, पर जैसे ही उसके हाथ तक पहुंचे उसको क्या दिखेगा, अच्छा वो ऐसे आया तो वो उसके ऊपर झटका लगाएगी, जिसने पकड़ रखा था उसके हेड में भी क्या लगेगा, एक जर्क लगेगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात? तो जब तक ये पल्स यहाँ पे ऐसे मूव कर रही तब तक बोटर को पता नहीं, पर जैसे ही ये पल्स इस बोटर के पास से पहुंचेगी तो इसको कुछ डिस्टर्ब करेगी, इसको कुछ एनर्जी दे सकती है। तो ये मेथड थर्ड हुआ। पर अगर इस मेथड थर्ड को अगर आप थोड़ा सा खूबसूरत भाषा में लिखना चाहें, वर्ड्स में लिखना चाहें, तो आप क्या बोलेंगे, हमने क्या किया, मैंने इस रस्सी को एनर्जी दी थी। मैंने किसको एनर्जी दी थी बच्चों, इस रस्सी को एनर्जी दी थी, इस रस्सी को एनर्जी दी, पर मैं रस्सी के इस वाले पार्टिकल को एनर्जी दी थी, पर हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो एनर्जी थी वो आगे 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 बढ़ती रही, पर रस्सी का पार्टिकल नहीं आगे गया, मीडियम का पार्टिकल था वो आगे नहीं गया। मैंने भाई साहब रस्सी के इस वाले पॉइंट को एनर्जी दी थी, जैसे रस्सी का ये जो पार्ट है आपके पास, इसका नाम कुछ इतना सा पार्ट है, इसका नाम बोलते पार्ट ए, तो मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग के पार्ट ए को एनर्जी दी थी, पर स्ट्रिंग के पार्ट ए ने आगे वाले को एनर्जी दे दी, उसने फिर उससे आगे वाले को दे दी, उसने उससे, इसी वजह से तो हो रहा है ना, ये वेवफॉर्म ऐसे आगे जाएगा आपके पास। तो अगर वेवफॉर्म आगे जा रहा है मतलब एनर्जी आगे जा रही है, ये आपने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये कोई नया नहीं है आपके लिए। अगर आप ऐसे रस्सी बांध के ऐसे करते हैं तो जर कैसे से वो जो आपके पास पल्स है वो पल्स से आगे मूव करता है, तो क्या रस्सी का टुकड़ा मूव कर रहा है क्या, रस्सी का टुकड़ा टूट के एनर्जी देखे नहीं देखे, मैंने एनर्जी दी रस्सी के पार्ट वन को, पार्ट वन ने आगे 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 ट्रांसफर कर दी, कोई भी पार्ट एक्चुअली आगे मूव नहीं किया, कोई पार्टिकल खुद का अगर आप देखें तो खुद वो पार्ट टूट के आगे नहीं बढ़ा, उस सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ाया, खुद वो वहीं पे रहा। ये हो गया आपके पास मेथड थर्ड। इस मेथड में क्या हुआ, द आपके पास मीडियम पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं किए, उनका जो बल्क डिस्प्लेसमेंट है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट तो हो रहा है पर नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जैसे कभी ये ऐसे ऊपर आया है तो ऊपर नीचे मूव किया है ये, पर ऐसा नहीं वैसे टूट के आगे चला गया, वापिस ये आएगा तो वापिस वहीं पे जैसे था वैसा वैसा बन जाएगा, जैसे ही पल्स यहां से यहां पे जाएगी तो वापिस स्टेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास में बल्क ट्रांसफर नहीं है, बल्क मतलब मटेरियल का ट्रांसफर नहीं है आपके पास में, सिर्फ क्या हुआ पार्टिकल थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हुए होंगे ऊपर नीचे, पर एनर्जी आ गया आपके पास प्रोपगेट कर दी। तो ये क्या है आपके पास में, थर्ड मेथड है, दिस इज नेम्ड एज वेव। तो अगर आप इस वाले मेथड की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, बाय स्ट्रिंग वेव, बाय स्ट्रिंग वेव, हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया था, हमने बोतल से एक स्ट्रिंग को बांधा, एक एंड पे अपने हैंड से पकड़ा, एनर्जी दी, अब क्या हुआ रस्सी मूव नहीं की पर एनर्जी आपके हैंड से बोतल तक प्रोपगेट कर गई। तो हम इस बारे देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज गिवन टू, किसको एनर्जी दी भाई साहब, एनर्जी इज गिवन टू मीडियम, बट मीडियम डिड नॉट मूव, बट मीडियम डिड नॉट मूव एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये तो लास्ट वाला तरीका है, हम इस वाले तरीके को पढ़ना चाह रहे हैं, दिस वे इज नेम्ड एज वेव, दिस वे इज नेम्ड एज वेव। तो अगर आप जनरल वेव की बात करेंगे, चाहे वो कोई भी वेव हो, स्ट्रिंग वेव हो, साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम तो सुना होगा थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो होती है हमारे पास, लाइट जो आती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे अभी, पर एक बार आप लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, एक्सरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, तो जितनी भी आप जैसे इंफ्रारेड जो रेज होती है, दीज आर द आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या आपके पास में अल्ट्रावायलेट रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव, ये सब आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने भी आप वेव्स के नाम सुन, दीज ऑल आर नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबके लिए ये डेफिनेशन सही है, ऐसा नहीं है कि दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर स्ट्रिंग वेव, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेव, व्हाट इज वेव। तो वेव क्या है आपके पास, देखिए मैंने इंग्लिश में क्या लिखा, आप पढ़ के देखिए थोड़ा, वेव इज फिनोमिनन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अनदर पार्ट ऑफ स्पेस, another part of space without transfer of bulk medium। तो भाई साहब ये बात तो मास्टर बोल रहा था,
मास्टर क्या बोल रहा था, वैसे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलेगी, पर जो मीडियम के पार्टिकल थे उनका बल्क ट्रांसफर नहीं है, वो एक्चुअली मूव नहीं किए, तो ये प्रोसेस कहलाता है वेव। तो वेव आपके पास में एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने का ऐसा तरीका है, सुनिएगा मेरी बात को, वेव एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने का ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाती है, पर मीडियम के पार्टिकल का बल्क डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब वो बल्क उनका मूव नहीं करता, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होते हैं वो, पर वापस अपनी पोजिशन वो वापस गेन कर लेते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास में कंसेप्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेव। अब हम ये देखते हैं भाई साहब, वेव हमने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना का देखा है, हमने अच्छा खासा देखा भाई, स्ट्रिंग वेव तो हमने अच्छा खासा देखा है। आप चाहें तो अभी भी अपने टेबल पे कहीं पे रस्सी बांध के आप करके देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा, और आपने देखा भी होगा भाई साहब, अगर आप एलियन नहीं है, आप धरती पे रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं यार, और हमने वेव कहाँ कहाँ पे देखा, पानी में देखा है आपने, पानी में, पानी में पत्थर मारो ऐसे टक, दुखी हो पानी के पास जाओ पत्थर मारो टक, तो क्या होता है, जैसे ही हम पानी में पत्थर मारते हैं तो पहले पानी शांत रहता है, जैसे ही आप पत्थर मारेंगे तो पानी में क्या होता है, रिपल्स फॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे वेव्स बनती हुई दिखाई देती है आपको, दिखाई देती है ना। तो आपने पत्थर मारा, जहां पे पत्थर मारा वहां पे आपने एनर्जी दी, वो सोर्स है, पत्थर भी सोर्स है एनर्जी का, जैसे यहाँ पे हैंड सोर्स था, हाथ से हमने एनर्जी दी थी, वहां पे आपने एनर्जी पहले पत्थर को दी, तो मीडियम गया एनर्जी लेके फिर उसने पानी को दी। पर अब जैसे ही पानी के किसी पॉइंट को एनर्जी मिल गई, अब वो एनर्जी को उसने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पानी अब उसमें देखते हैं सर क्या उसे पानी मूव किया कि नहीं, वो वेव वेव है ना, वो हम बोलते हैं दिस वाटर वेव्स, दीज आर कॉल्ड एज वाटर वेव, इसका मतलब क्या, वो पानी मतलब अगर वेव है तो भाई साहब मीडियम मूव नहीं करना चाहिए, और मीडियम मूव नहीं करना मतलब पानी मूव नहीं करना चाहिए, मतलब वेव आगे एनर्जी आगे चलती रहे पानी मूव ना करे। अरे सर क्या हो रहा है, दिमाग से खराब हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। देख मान जैसे पानी है ऐसे यहाँ पे तेरे पास, ठीक है, तूने यहाँ पे पत्थर मारा तो पानी में क्या ऐसे वेव बनती रहेगी ऐसे, अब ये वाला पानी आगे नहीं जाएगा, ये वाला पानी ऐसे ऊपर नीचे गया, फिर ये पानी वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वेव ऐसे आगे चली जाएगी, फिर ये पानी ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, फिर ये वेव आगे चली जाएगी, पानी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है, जो आपने डिस्टर्बेंस दिया है, जो डिस्टर्ब किया, जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी इस तरफ मूव कर रही है आपके पास में, पर पानी मूव नहीं कर रहा, पानी थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है फिर वहीं पर रुक जाता है, और ये डिस्टर्बेंस ऐसे आगे चलती रहती है। आप सी देखिए ना, अगर आपने सी में देखा होगा, या फिर आप डिस्कवरी वाले चैनल पे आप ये स्कूबा डाइविंग या फिर ये जो पानी के ऊपर वो क्या करते हैं, वो राइड सी करते हैं, उसको अगर आपने वो एक्सप्रेशन देखे तो उसमें क्या होता है, पानी की वेव्स अगर आप देखेंगे सी के अंदर समुद्र में, अगर हम वो वेव्स देखें तो वो वेव्स कैसी होती है, ऐसी होती है, कभी ये वाली ऐसे ऊपर बना, फिर ये वेव ऐसे आगे आगे चलती रहती है, देखा है ना आपने, ऐसे पानी की वेव ऐसे है तो फिर ये वेव ऐसे आगे आगे चलती रहेगी, ये पानी अभी ऊपर गया था यही नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर कोई और ऊपर जाएगा, कोई और नीचे आएगा, तो डिस्टर्बेंस आगे चलता रहा, पानी नहीं चला, ऐसे नहीं हो भाई साहब जहां वो पानी था वो पानी पूरा मूव कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी स्ट्रिंग की तरह है, जैसे ये वाला पार्ट पानी का है, पानी ऐसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर हो क्या रहा है, पहले ये वाला पानी ऊपर था, फिर उससे आगे वाला पानी ऊपर हुआ, फिर उससे आगे वाला पानी ऊपर हुआ, फिर उससे आगे वाला पानी ऊपर हुआ, तो उसमें आपकी एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मीडियम का ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ एनर्जी आपके पास है प्रोपगेट किया। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है आपको ये वाली बात। तो वाटर वेव्स अगर आप ये चेक करना चाहेंगे भाई साहब मास्टर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, पानी के अंदर आप एक पहले एक कोर्क रख दीजिए, मतलब थर्माकोल रख दीजिए जो पानी पर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, अब आप पत्थर मानिए, अगर पानी मूव करता थर्माकोल भी मूव करता, भैया आप ऐसे मानिए यहाँ पर मुझे चेक करना है वैसे कौन मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है कि मतलब पानी आगे की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसे थर्माकोल रख दिया, अब जब से आप यहाँ पत्थर मारेंगे तो थर्माकोल सिर्फ ऊपर नीचे मूव करें, थर्माकोल आगे जाएगा नहीं, अगर थर्माकोल आगे नहीं जा रहा मतलब ये पानी सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है, आगे की तरफ पानी मूव कर रहा नहीं है, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा देख के कि मास्टर बोल रहा है वो बात सही है कि जो एनर्जी है वही आगे प्रोपेगेट करती है, खुद पानी आगे से आगे जाता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईएम वेव की बात करता हूं, जैसे ईएम वेव क्या है, वो भी एक वेव है ना, ईएम वेव मतलब लाइट को आप ईएम वेव बोलते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारी वेव्स होती है, हम आगे उसको पढ़ेंगे भी, हर एक वेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, 12th के अंदर तो पूरा चैप्टर ही है ईएम वेव का, अभी हम थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में जैसे रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन सभी के कॉम्बिनेशन को मिला के बोलते हैं ईएम वेव। मेरी बात समझ में आ गई, जैसे सबको भगवान बोल दिया, अब भगवान के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, शिव जी, गणेश जी, भगवान राम, हनुमान जी, ऐसे ऐसे करके समझ में आ गया। तो ईएम वेव सबसे बड़ा, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स कर रखे हैं, इतना जो लैम्डा होगा मतलब अगर किसी की वेवलेंथ इस रेंज में है तो उसका नाम रेडियो वेव, किसी की वेवलेंथ इस रेंज में है तो उसका नाम माइक्रोवेव, इस रेंज में है तो इंफ्रारेड, इसमें है तो विजिबल,
समझ में आ रहा है? तो जिस लाइट से हमें दिखाई देता है वो विजिबल रेंज के अंदर आती है। अब आप देखिए, जब वहां पे अगर आप देखिए सन से लाइट हमारे पास आती है तो एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। पर आप सोचिए कि सन से लाइट यहां तक आ गई, पर सन खुद थोड़ी चल के आया, समझ में आ रहा है? एनर्जी प्रोपगेट करगी, पर उसमें जो सोर्स था वो मीडियम पार्टिकल थे, वो मूव नहीं किया, लाइट तो आ गई ना अपने आप। तो वो भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, वहां से भी आपको वेव समझ में आ जाएगी। या फिर आप ऐसे समझिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं, मेरी आवाज, ऐसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, तो मेरी आवाज क्या होगा? हर एक बच्चे तक पहुंचेगी। तो भाई साहब सोर्स मैं था, मेरी जो टंग है वो सोर्स है, वो टंग क्या करती है? वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। मैं टंग से ए बी सी डी ऐसे बोलता हूं, तो भाई साहब ये मैं टंग एक स्पेशल स्पेशल वे के अंदर एयर को डिस्टर्ब करती है। यहाँ पे जो मेरे मुंह के पास में एयर है उसको डिस्टर्ब करेगी। आप जब बोलते हैं तो अपने मुंह के पास में से हाथ लगा के देख ऐसे रखिएगा, तो आपको फील होगा कि कुछ एयर को आप आगे पीछे धक्का मार रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे एयर नहीं होगी, मान लीजिए एयर नहीं है और आप किस तरीके से जिंदा हैं, एयर नहीं है तो आप जिंदा भी नहीं हो, मान लीजिए एयर भी नहीं और आप जिंदा भी हैं, आपको भगवान ने शक्ति दे दी कि बेटा रहा, तूने मेरी पूजा करी, तू अब अमर है, तू ये काम कर सकता है, मान लीजिए ऐसा हो जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वैक्यूम हो, आपके पास में एयर नहीं हो, तो आप बोलते रहिए, कोई आवाज नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आवाज क्या है? आवाज एक्चुअली आप एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं। आप यहां से एयर के पार्टिकल क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो वो, जैसे मैंने इसके मेरे मुंह के पास में जो एयर थी उसको मैंने डिस्टर्ब किया, तब उसने क्या करा? उससे आगे वाली एयर को डिस्टर्ब किया, उसने उससे आगे वाली को डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्बेंस ऐसे आगे जाता जा रहा है। मेरे मुंह के पास में जो एयर थी वो अभी भी वहीं पर होगी, वो एनर्जी को लेकर नहीं जा रही है। वो आपके पास में कैसा हो रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एयर के पार्टिकल हैं, आपके पास ऐसे ऐसे एयर के पार्टिकल ना, ये तो ये क्या क्या करता है? ये इस वाले पार्टिकल धक्का मारता है, फिर ये इस वाले पार्टिकल धक्का मारता है, ये इस वाले पार्टिकल धक्का मारता है, तो डिस्टर्बेंस आगे मूव हो रहा है आपके पास। ऐसा नहीं हो रहा जिस पार्टिकल में एनर्जी दे रहा वही लेके जा रहा है, नहीं, वो आगे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, इस वजह से साउंड आपके पास में आगे तक जा रही है। आप सोच के देखिए, हम तो सिर्फ डिस्टर्बेंस को, साउंड ऐसा कुछ नहीं है, हमें साउंड लगता है साउंड कुछ अलग है, साउंड कुछ नहीं है भाई, साउंड एक डिस्टर्बेंस है, वो भी एयर के पार्टिकल में, वो कोई आवाज थोड़ी देके आ रहा है, वो डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है। पर हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि जैसा ही वो डिस्टर्बेंस कान के पास में आता है, तो भगवान ने हमें ये शक्तियां दी है, या फिर भगवान ने हमें बनाया कि नहीं बनाया मुझे पता नहीं, जिसने बनाया है, नेचर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो वो हमारी बॉडी इस तरीके डिजाइन है कि हम उस डिस्टर्बेंस से कोरस्पॉन्डिंग एक वर्ड सुनते हैं। जैसे हम हेलो बोलते हैं तो हेलो कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस है। आप सोचिए कि मैं ऐसे कान बंद कर दूंगा, अब दुनिया चाहे कुछ है बोलती रही, मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा, तो बोल तो हो रहा है, अब क्यों नहीं सुनाई दे रहा? बिकॉज डिस्टर्बेंस नहीं कान पकड़ पा रहा। ये भी एक सिग्नल की तरह ही है, जैसे एक वेव आती है, वो वेव आप जैसे एक फोन में आप देख रहे हैं, भाई सब बात हो रही है, तो क्या हो रहा है? आप बोलते हैं तो एक सिग्नल वहां पे जा रहा है, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। सिमिलरली जब आप बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूं तो मेरा हेलो का सिग्नल आपके पास जाता है, अब वो डिस्टर्बेंस की फॉर्म में है, तो अच्छा वो स्पेसिफिक डिस्टर्बेंस कहां सुनता है? अच्छा ऐसे करके, ऐसे डिस्टर्बेंस है, मतलब इसका नाम है हेलो, तो वो दिमाग को बताता है हेलो बोला किसी ने, तो हम बोलते हैं अच्छा हेलो बोला, तो मैं ही बोलता हूं हेलो। बात समझ में आ गई? तो ये सारा डिस्टर्बेंस का खेल है, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टर्बेंस और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उसमें मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेव बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है आपके पास वेव की। अगर आप एग्जाम्पल ऑफ वेव देखना चाहें, एग्जाम्पल ऑफ वेव, तो कौन कौन से आपके पास? साउंड वेव है, और क्या है? स्ट्रिंग वेव है आपके पास, वॉटर वेव्स हम देखते हैं पानी में, जो वेव्स है आपके पास इट इज वाटर वेव्स, और कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा नाम लिख देता हूं, नया है ना आपके लिए, दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सब वेव्स आ जाती है आपके पास में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है आपके पास में वेव की, समझ में आ गई बात? तो एक बार आप खुद से थोड़ा सोच के देखिए मास्टर क्या बोल रहा है, आप खुद उसको रिकॉल करके देखिए, अच्छा वेव क्या है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अगर आप फिजिक्स दिखाई नहीं देगी तो बच्चों बहुत दिक्कत है, और फिजिक्स दिख गई तो भाई साहब बहुत बड़े, क्योंकि फिजिक्स तो देख के बना ना। अगर आप बात करो भाई साहब फिजिक्स कैसे बना, तो फिजिक्स देख के बनाया, ग्रेविटेशन लग रहा है तो हमें मतलब कैसे पता लगा भाई ग्रेविटेशन लग रहा है? लोगों ने देखा, अच्छा ग्रेविटेशन नीचे लगता है, कोई चीज नीचे गिर रही है, तो लोगों ने देखा, ऐसे थोड़ी भी धरती माता खुद बाहर आके बोली भाई साहब ये देखो मैं हूँ धरती माँ और मैं नीचे तरफ खींचती, ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करके फिजिक्स बना है, तो फिजिक्स देख के बना है, फिजिक्स देख के बना है, तो आपको भी दिखना चाहिए। अगर बच्चों आपको फिजिक्स दिखेगा तो आप फंसेंगे नहीं, अगर नहीं दिखेगा तो आपको फिर फिजिक्स मतलब दुखी करता रहेगा, तो आप देखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए मास्टर जितनी बात बताई है क्या आप उसे फील कर पा रहे हैं? इसके बाद में आप आंखें बंद कीजिए, आराम से आप देखिए भाई वेव जब प्रोपगेट करता है तो आपको क्या दिख रहा है? वैसे मीडियम मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एनर्जी मूव कर रही है, वाटर वेव में कैसे हो रहा है, साउंड वेव में कैसे हो रहा है? क्लियर? ठीक है, इतना छापिए, फिर अपने वेव के बारे में और चर्चा करेंगे।
हमने बेसिक आइडिया दे दिया ना वेव क्या होती है, हमें समझ में आ गया। अब देखिए वेव को है ना दो तरीके से क्लासीफाइड किया गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाइड किया जा सकता है वेव को, पर दो वेज जो है क्लासीफाई करने के वो फेमस है। तो ये अपन इसको देखते हैं। देखिए एक वे तो आपके पास में इस तरीके से है कि वेव को हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया, और एक हिस्से का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। समझते हैं, मैं समझाऊंगा आपको क्या कहानी है। ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल एक तो ये वाला हिस्से में आपने क्लासिफाई कर दिया कि वेव के दो हिस्से, मतलब वेव दो पार्ट, मतलब वेव दो तरीके हो सकती है, तो ट्रांसवर्स वेव होगी या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। सिमिलरली एक और आपने क्लासिफिकेशन किया कि वेव दो टाइप की हो सकती है आपके पास, मैकेनिकल वेव और यहां पे ऐसे नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। इसको ईएम वेव भी बोल सकते, डायरेक्ट इसको ईएम वेव बोल सकते, ऐसे क्लासिफाइड किया। अब ये दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि इस क्लासिफिकेशन इससे कोई लेना है या फिर इस क्लासिफिकेशन इससे कोई लेना देना है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। आप ऐसे मानिए जैसे हमने क्या किया, ह्यूमन को, जैसे ह्यूमन को दो हिस्से में हमने क्लासिफाई कर दिया, मेल और फीमेल, ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरे में क्या क्या किया हमने, ह्यूमन को दो में कर दिया, एक तो रिच ह्यूमन, एक पुअर ह्यूमन, जिसका पैसा ज्यादा वो रिच, जिसका पैसा कम वो पुअर। एक क्लासिफिकेशन था मेल और फीमेल, ये किसके बेसिस पर, ये आपने जेंडर के बेसिस पे किया। एक और क्लासिफिकेशन किया आपने, दैट इज पुअर ह्यूमन और एक रिच, वो किसके बेसिस पे किया कि उसके पास में एसेट्स कितने हैं, उसके पास में करेंसी कितनी है किसी भी जगह की। समझ में आ रही है भाई? तो मैं अगर पूछूं भाई साहब क्या मेल रिच है, नहीं पता भाई साहब, क्या फीमेल रिच है, नहीं पता। ये दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना, सिमिलरली ये दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं। अब आप इस बात को अगर समझ पाए कि देखिए वेव जो आपके पास में रहता है, जो हमने रस्सी में वेव देखा, वेव अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ वेव ऐसे ऐसे रहता है आपके पास, ऐसे कुछ वेव चलता है आपके पास, ये वेव है ऐसे कुछ, ये वेव कंटिन्यूस बनाते जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बनता रहेगा आपके पास, ऐसा ऐसा कुछ वेव है आपके पास स्ट्रिंग के अंदर, ये चल रहा है आगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पार्टिकल्स, यहाँ पे दो वेलोसिटीज आती है एक आपके पास में, एक तो आती है दैट इज वेव वेलोसिटी, और एक आपके पास में आती है पार्टिकल वेलोसिटी। तो अब जैसे मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये है आपके पास में वेव वेलोसिटी। अब क्या होता है, सबसे पहले ना आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ वीडियो से हेल्प दे, मतलब कोशिश करूंगा कि आप समझ में आ जाए, पर आप पहले खुद एनालाइज करके देखिए। आप आंखें बंद करिए, आप देखिए आपके सामने एक वेव प्रोपगेट कर रही है, तो जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, जिस स्पीड से वेव प्रोपगेट कर रही है, वो कहलाती है वेव स्पीड। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ऐसे एक रस्सी ली है, और उस रस्सी में ऐसे ऐसे ये वेव चल रही है, ऐसे एक रस्सी है इसमें ऐसे एक वेव चल रही है आपके पास, अगर ये वेव तेज चल रही होगी तो आप बोलेंगे वेव की स्पीड ज्यादा है, अगर ये वेव धीरे चल रही होगी तो आप बोलेंगे वेव की स्पीड धीरे है। आपने पानी में पत्थर मारा तो जो डिस्टर्बेंस है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे वेव की स्पीड ज्यादा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो वो हम बोलेंगे दैट इज वो धीरे है आपके पास, स्पीड कम है। तो वेव वेलोसिटी समझ में आ गया आपको, वेव स्पीड या फिर वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब एक सेकंड है दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल स्पीड, वो क्या होता है। अब देखिए वेव इस तरफ जा रहा है, पर ये जो रस्सी का पार्टिकल था, जो रस्सी के पार्टिकल का जो मोशन है आपके पास है, वो कैसा, रस्सी के पार्टिकल का मोशन वो ऊपर और नीचे है सिर्फ, रस्सी के पार्टिकल का मोशन कैसा है बच्चों आपके पास में, ऊपर और नीचे है। अगर ये यहां पे ऐसे मूव करे, ऐसे कंटिन्यूस वेव आपके पास में होगी, ऐसे यहाँ पे कंटिन्यूस वेव आपके पास में होगी, तो अगर आप देखेंगे तो ये पार्टिकल्स होंगे रस्सी के, ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ये रस्सी का पार्टिकल टूट के आगे नहीं गया, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऊपर और नीचे जा रहा है। अब जैसे मानिए थोड़ी देर बाद में ये वेव कैसा बन जाएगा, ये वेव कुछ ऐसा बन जाए थोड़ी देर में, ऐसे कुछ करीब कुछ ऐसा बन जाएगा, तब क्या होगा, ये वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, अभी फिर ये वाला पार्टिकल पहले ऊपर था, अभी पार्टिकल नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा। तो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं आपके पास, और जो वेव है वो एक डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिंग वेव की बात चल रही है। बच्चों अभी हम वेव के एनिमेशन की बात करेंगे, तो हम आपके पास में दो स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है ना, एक आपको ऊपर दिखाई दे रही है, एक नीचे दिखाई दे रही है। हर एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप देखें दो पॉइंट्स हैं जो आपको डॉट की फॉर्म में है येलोइश कलर के, तो उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पॉइंट का मोशन कैसा होगा। तो आइए हम सबसे पहले ऊपर वाली वेव को शुरू करके देखते हैं। तो आप देखिएगा कैसे लेफ्ट हैंड से हम डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेंगे, और ये डिस्टर्बेंस कैसे आगे प्रोपगेट करता है, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। ऊपर वाले पर शुरू करते हैं वेव अपने, देखिए
हमने डिस्टरबेंस कहाँ पे प्रोड्यूस किया था, लेफ्ट हैंड एंड पे प्रोड्यूस किया था। अभी देखिए डिस्टरबेंस कहाँ तक पहुँच गया, तो क्या जिस पार्टिकल को एनर्जी दी थी वो पार्टिकल पहुँचा क्या? नहीं। अब किसी भी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करके देखिए, वो पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजिशन पे ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे एक जो येलो पॉइंट क्रॉस हो चुका है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहा है। देखिए वो पार्ट, वो येलो वाला पॉइंट है, वो आगे नहीं जा रहा, वो सिर्फ ऊपर नीचे ओसिलेट कर रहा है, और जो डिस्टर्बेंस है वो आगे प्रोपेगेट हो रही है। तो वेव आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें एनर्जी चल रही है, पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि भाई साहब पार्टिकल टूट के चल रहा है, पार्टिकल टूट के नहीं चल रहा है। तो अगर हम पूछे वेव वेलोसिटी क्या है, तो देखिए जिस स्पीड से आपको ये डिस्टर्बेंस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज वेव वेलोसिटी। ये डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, ऐसा जैसे वो पहाड़ है, वो आगे की तरफ जा रहे हैं इस तरीके का। तो ये जो मूव कर रहा है जिस स्पीड से, दैट इज वेव वेलोसिटी। अगर आप बात करेंगे पार्टिकल के मोशन की, तो वेव वेलोसिटी किस तरफ है? वेव वेलोसिटी इस वाली वेव में राइट हैंड साइड की तरफ है ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे। अब पार्टिकल को अगर आप देख रहे हैं, तो अभी ये पार्टिकल हमने रोका है, तो ये पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो आप इस वाले केस में इजिली चेक करके देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, ये येलो वाला पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस येलो के अलावा आप कोई भी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई भी एक पार्टिकल को देखिए, तो पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है। आपको दिखने में, मतलब अगर आप ढंग से देखें तो आपको दिखाई देगा। तो आप इन येलो वाले पार्टिकल पर फोकस कीजिए, या आपको इजीली फोकस हो जाएंगे, तो आपको दिख रहा है ये सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ऐसी वेव जिसके अंदर वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जैसा कि इसके अंदर हो रहा है, तो वो क्या होती है आपके पास में, दैट इज ए ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? मैंने आपको इससे पहले एनिमेशन में दिखाई भी ये चीज, आप वहां से भी देख सकते हैं उस चीज को कि वेव प्रोपेगेट कर रही है एक डायरेक्शन में, पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं आपके पास, अगर आपके पास वेव स्ट्रिंग के अंदर है। तो यहां पे दो चीजें हैं आपके पास, तो एक तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है वो दिखाई दे रहा है, एक पार्टिकल्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में। पार्टिकल का मूवमेंट अगर आप रस्सी कैसे दे रहे, पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहता है, और वेव कहां पर चलेगी आपके पास, आगे चलेगी। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे भी किसी बेसिस पे हमने कि वेव वेलोसिटी कैसे है, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे है, उसके बेसिस पे ये वाला पहले वाला क्लासिफिकेशन है आपके पास ट्रांसवर्स वेव का। इसमें क्या बोलता है, इफ वेव वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल मोशन कर रहा है, इफ वेव वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन दैट वेव विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसका मतलब क्या है, वेव किस तरफ जा रही है आपके पास में, वेव जा रही है इस तरफ। अगर वेव आपके पास में इस तरफ जा रही है, तो पार्टिकल किस तरफ जाना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे, ऐसे। ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। वेव किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई, तो ट्रांसवर्स वेव की कहानी होगी। क्या हो गया, आपको ये दिखना चाहिए कि भाई साहब वेव वेलोसिटी क्या, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज नेम वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं वो हो गया भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होना चाहिए कि वेव मोशन और पार्टिकल मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, देन दैट वेव विल बी नेम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है, वो वेव जिसमें वेव मोशन और पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर है। वेव अगर इधर जाए तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे। अगर आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, ये तो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। पार्टिकल जैसे इससे पहले वाले केस में आपको मैं दिखाया था, जैसे पार्टिकल यहां पे है आपके पास, ऐसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, ये इसको एनर्जी देगा, इसको देगा, तो ये पार्टिकल ऐसे अपनी जगह पैसे ऑसिलेट करता रहेगा, ये अपनी जगह पैसे ऑसिलेट करता रहेगा, ये अपनी जगह पे करता रहेगा, ये अपनी जगह पे करता रहेगा, ये अपनी इस पोजीशन के बोर्ड ऑसिलेट करता रहेगा, ये इस पोजीशन के बोर्ड ऑसिलेट करता रहेगा, ये इसके बोर्ड करता रहेगा, और जो एनर्जी है वो आगे चली जाएगी आपके पास। जो एनर्जी है वो कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो अब आप देखिए वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम क्या बोलेंगे, इफ वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन
वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, देन दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेव भी इस तरफ जा रही है, आपके पास जो वेव है वो इस तरफ जा रही है और जो पार्टिकल है वो भी इसी तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, दिस आर द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो आप इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखेंगे कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास ट्रैवल करती है। तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं ना। अब आप देखिए, आपने डिस्टरबेंस दिया, डिस्टरबेंस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखिए देख पा रहे हैं आप, हमने जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस जा रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अगर यही एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का होता तो वो कुछ इस तरीके से होता, वेव आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्स वेव हुआ। तो अगर आपको वेव को देखने में दिक्कत है तो एनिमेशन रिक्वायर्ड है, आपको दिखाया जा रहा है उससे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भी आप एक बार कुछ जनरल आप एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कोई स्पेसिफिक वेव आपको दिख नहीं रही है, तो वैसे कोशिश की जा रही है आपको दिख जाए, फिर भी आपको लगता है किसी में दिक्कत है वो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तो वो आपकी हेल्प कर सकता है उसमें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव, इतनी बात समझ में आ गई, ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब ये कि जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, देखिए ये क्लासिफिकेशन अपने आप में डिफरेंट है, ये क्लासिफिकेशन अपने आप में डिफरेंट है। तो अगर आप देखें ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल समझ में आ गया, अच्छा मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में क्या है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में किस चीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन किया। अगर वेव मोशन और पार्टिकल मोशन सेम डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वो वेव इधर जा रही है पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देन दैट विल बी ट्रांसवर्स। यहां पे जो आपके इसमें क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। इसमें क्या बोला गया, मैकेनिकल वेव द वेव्स वेव्स व्हिच रिक्वायर वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। भाई साहब, जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। सिमिलरली नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या आएगा, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट आर नॉन मैकेनिकल वेव। कहानी समझ में आ गई बच्चों, इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रांसवर्स वेव बताइए, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल बताइए, कौन सा एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का। रस्सी में जो वेव चलती है, जो वेव इन स्ट्रिंग है, उसमें देखिए वेव ऐसे आगे की तरफ जा रहा है आपके पास, वेव ऐसे 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 जाता है, ऐसे जाता है वेव, तो वेव ऐसे आपके पास में आगे की तरफ प्रोपगेट होती है। पार्टिकल देखें तो ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है, इसी को आप विजुलाइज कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस वाले केस में ट्रांसवर्स वेव को एग्जाम्पल ट्रांसफर तो वेव इन स्ट्रिंग एग्जाम्पल है। अब वाटर वेव्स में देखिए, आप पत्थर मारते हैं तो पानी ऐसे मतलब एनर्जी जो डिस्टर्बेंस है वो आगे प्रोपगेट कर रहा है, पर अगर आप पानी के ऊपर कोई कोर्क रख देंगे या फिर कोई थर्मा को रख देंगे, वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, पानी ऊपर नीचे मूव कर रहा है और वेव किस तरफ जा रही है, इस मतलब बाहर की तरफ निकल रही है। वैसे ही ना, पानी मार मतलब पानी पत्थर मार तो वेव ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगी, ऐसे हरी डायरेक्शन वेव जा रही है, पर पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में नहीं जा रहे, पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके पास, तो आप उसे क्या बोलेंगे, दैट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो आप बोलेंगे सर, इसका जो एग्जांपल है आपके पास में, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं ना, जगह थोड़ी कम है, आप नीचे लिख लीजिएगा ना, आप नीचे लिख लीजिएगा क्या क्या एग्जांपल है, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग और वाटर वेव्स, वाटर पानी में जो वेव बनती है, और जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव वो अभी हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, हम पता नहीं ईएम वेव में क्या होता है, ईएम वेव जो होती है वो भी आपके पास में ट्रांसवर्स वेव है, ईएम वेव की मैं वहां पर चर्चा कर, थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। ये तो आपके पास तीनों एग्जांपल हो गए ट्रांसवर्स वेव के, ठीक है।
अब सब चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, जो साउंड वेव है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव में क्या होता है, देखिए एयर है, मैं इस वाले जैसे यहाँ पे ये एक एयर पार्टिकल है, फिर इसके आगे ये एक एयर पार्टिकल है, तो मैं अपने टंग से डिस्टर्बेंस देके इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इधर इसको धक्का मारेगा, तो इधर इसको धक्का मारेगा तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, फिर ये इससे आगे वाले को धक्का मारेगा, फिर उससे आगे वाले को धक्का मारेगा, तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव भी डिस्टर्बेंस भी किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सिखाई दे रहा। अगर मान लीजिए इसने इसको धक्का मारा, फिर ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, तो अब देखिए पार्टिकल भी ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है आपके पास, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल भी, और आपके जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों पार्टिकल जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब वो भी इस तरफ हो रहा है, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब चाहे 180 डिग्री हो रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, अलोंग द होना चाहिए, या चाहे वो इस तरफ हो जाए पार्टिकल डिस्प्लेस, चाहे इस तरफ हो जाए, तो अगर पार्टिकल हो रहा होगा तो ऐसे पूरा ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे एचएम टाइप में, तो दोनों तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम बोलते हैं दैट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल क्या है आपके पास, दैट इज साउंड वेव, इसको नीचे रख लेते हैं, जगह है, एग्जांपल अगर आप देखेंगे दैट इज साउंड वेव, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब चलते हैं मैकेनिकल वेव, जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कौन कौन सी वेव्स को मीडियम चाहिए, स्ट्रिंग वेव्स को चाहिए, हाँ चाहिए, बिना स्ट्रिंग के वेव कैसे आएगी भाई साहब, नहीं आ सकते बिना स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग तो चाहिए हमें, तो मीडियम चाहिए, साउंड वेव को मीडियम चाहिए, बिल्कुल एयर चाहिए, अगर एयर नहीं होगा तो आप साउंड सुन नहीं सकते, साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड वेव को मीडियम चाहिए, और वाटर वेव्स को मीडियम चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई साहब, पानी नहीं होगा तो कैसे करेगा, दैट इज वाटर वेव्स। तो ये सभी वेव्स जो आपके पास में है उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, पर अगर आप बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव। सन से एनर्जी हमारे पास में आ रही है, सन से एनर्जी हमारे पास में आ रही है, तो ईएम वेव्स की फॉर्म में आ रही है, और बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, पहले मतलब लोगों में बोलना है वहाँ पे ईथर ईथर है, पर उसकी कोई प्रूफ नहीं है, तो बीच में कोई मीडियम नहीं है आपके पास, विदाउट मीडियम एयर ट्रेवल मतलब वेव प्रोपोगेट कर रहा है, तो कैसे करता है, एक्चुअली उसमें ईएम वेव का नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो वर्ड आ गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो मैग्नेटिक वेव वर्ड आया, दैट इज ड्यू टू फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें क्या होता है, ईएम वेव के अंदर दोनों आपके फील्ड्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, और दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे ऑसिलेट करता है इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर ऑसिलेट करता है, और वेव इस तरफ चलती है, तो ऐसे होता है पार्टिकल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं और वेव ऐसे आगे चलती है, मस्त बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, जो लाइट हमारे पास में, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, अब समझ में आ रही क्या बात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मस्त इधर ऑसिलेट कर रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर करेगा, और वेव इस तरफ जा रही है, तो वेव की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लाइन में ऑसिलेट करेगा या फिर जिस एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में ऑसिलेट करेगा, और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों अभी हम ईएम वेव में देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेव वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको ब्लू प्लेन से दिखाया जा रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और वेव देखिए वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, तो तीनों चीज़ें इसमें परपेंडिकुलर हैं, तो इसे ईएम वेव बोलते हैं। तो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन किया है वेव का, सबसे पहला क्लासिफिकेशन था आपके पास में वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी के बेसिस पे, और दूसरे वाला था आपके पास दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम के बेसिस पे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, पर यहाँ पे फील जरूरी है, अगर आपको कहीं पे लग रहा है अभी दिक्कत आ रही है फील में, तो आपको रुक के थोड़ा फील करना चाहिए, वीडियो थोड़ी देखनी चाहिए, एनिमेटेड वीडियोस, वहां से आपको क्लैरिटी बेटर मिल सकती है, क्योंकि वो जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो दिक्कत रहेगा उसमें। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, मैंने भी कुछ वीडियोस आपको एनिमेटेड दिखाई है, शायद आप उसको चमक जाए आपको, फिर भी अगर नहीं चमकता है तो आपको रुक के थोड़ा खुद से सोचना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते। मैं आपको थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में थोड़ा दिक्कत आता है।
हमें आइडिया तो लग गया वैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। आप फिर करिए ऐसा समझ सकते हैं, मान जैसे आपके पास वो मेटल वाली बहुत पतली पतली ब्लेड्स नहीं होती, जैसे वो मेटल की जो ब्लेड होती है जो नॉर्मल ब्लेड आती है, वैसे आप बहुत सारी ब्लेड्स कैसे लाइन में रखिए ऐसे, ठीक है। सबसे पहले एक फर्स्ट ब्लेड को यहाँ पर रखिए, एक ब्लेड को यहाँ पर रखिए, नीचे फिक्स कर दीजिए, फिर इसके पास में दूसरी ब्लेड को रखिए, फिर इसके पास में ऐसे तीसरी ब्लेड को रखिए, ऐसे समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसे करते रहिए ऐसे। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल फिर आप ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसी होगी ब्लेड आपके पास में, इसको ऐसे ऐसे रखिए यहाँ पे फिक्स करके, ठीक है। दूसरे वाले को ऐसे रखिए, नीचे फिक्स करके रखना ना उसको, ऐसे ऐसे करके रखिए। फिर आप क्या हो, जैसे आप इस पहले वाले को डिस्टर्ब करेंगे, जैसे आप इस पहले वाले को डिस्टर्ब करेंगे, ओसिलेट करिए, देखिए इसको जैसे आप डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ओसिलेट करती है ना आपके पास में, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ओसिलेट कर रही है। तो जैसे ये ओसिलेट करेगी तो ये इससे आगे वाले को एनर्जी देगी, इसके आगे ये है, जैसे ये ओसिलेट करेगा तो इसके आगे वाले को एनर्जी देगा, देखना इसने इसको दिया, फिर ये ऐसे ओसिलेट करेगा, ये आगे एनर्जी देगा, ये आगे एनर्जी देगा, ऐसे करते करते देखिए अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ओसिलेट कर दें, जैसे ब्लेड्स लगाइए ना हमने, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ओसिलेट कर दें तो ये क्या करे, इसको आगे वाले को ओसिलेट करेगा, फिर उससे आगे वाले को ओसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे तो ओसिलेट करना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एनर्जी किस तरफ जा रही है, एनर्जी आपके पास में इस तरफ जा रही है। और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कैसे, ऐसे ही है पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मैं बात करूंगा मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल तो वो कैसा है, वो भी ऐसा ही है आपके पास, तो वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल मोशन भी इसी लाइन के अलोंग है, तो ये कैसी होगी आपके पास में, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप बात करें ट्रांसवर्स वेव को, अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो फील दे सकते हैं आप ऐसे, ऐसे बहुत सारे आदमियों के हाथ पकड़ के ऐसे एक लाइन बनाई है, ऐसे ये आदमी है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, फिर इससे आगे एक और आदमी है, उसने इसका हाथ पकड़ रखा है, ऐसे एक हाथ पकड़ रखा है, ऐसे हाथ थोड़े बड़े बन गए ना पैरों से, कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके ये प्रोसेस चल रहा है आपके पास में, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको बोले भाई साहब तू बैठ, इसको बोले भाई साहब तू बैठ जा, इसको बोले तू उठक बैठक कर, सिट मतलब सिटअप्स कर, इसको मैं बोलूंगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तू सिटअप्स कर, अगर सिटअप्स कर, जैसे सबसे पहले ये नीचे गया, सबसे पहले ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो इसके साथ में, फिर जैसे ये नीचे जाएगा इसका हाथ नीचे जाएगा, हाथ नीचे जाएगा तो इसको भी नीचे जाना पड़ेगा, मेरी बात समझ आ रही है, फिर ये ऐसे ऊपर आएगा आपके पास, तो फिर थोड़ी बार इसको भी ऊपर आना पड़ेगा। तो अगर आप इस वाले मोशन को ऐसे फील करके देखेंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि जो एनर्जी है वो जो पार्टिकल का जो मतलब बंदे हैं वो जो जैसे डिस्टर्बेंस, सबसे पहले ये नीचे बैठा, इसके वजह से इसको बैठना पड़ा, इसके वजह से इसको बैठना पड़ा, इसके वजह से इसको बैठना पड़ा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी ऐसे आगे जा रही है आपके पास में, पर अगर आप इन बंदों का मोशन देखें, ये सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे समझिए वो एक डांस फॉर्म नहीं होता, ऐसे ऐसे करके वो करते, मुझे आता नहीं है वो करना ऐसे, यहां से वो ऐसे एक बंदा, वो डांस फॉर्म देखा है ना आपने, तो वो एक एक बंदा ऐसे डिस्टर्बेंस देता है, वो फिर ऐसे ऐसे करके फिर दूसरे को डिस्टर्बेंस देता है, फिर वैसे कर, देखा नहीं क्या, वो वेव फॉर्म वाला डांस होता है वो, उसमें क्या क्या करता है वो, वहां से वो डिस्टर्बेंस देता है तो वो अपना हाथ को ऐसे करके ऐसे आता है, तो उसके बाद वो डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे दी तो पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले सिर्फ मेरा हाथ मूव किया, फिर यहां से ऐसे आ गया डिस्टर्बेंस, फिर मेरा ये हैंड मूव किया, फिर ये देखेगा तो ऐसे करके इसका हैंड मूव करा, फिर उसने आगे दे दिया। आई एम नॉट सो गुड इन डांस, इस वजह से मुझसे वो स्टेप करना आता नहीं है, पर अगर आप देखें कुछ कुछ कलाकार लोग हैं वो करते हैं ऐसे, अरे देखा है ना आपने। तो एनर्जी क्या है, वैसे एनर्जी ऐसे आगे आगे जाती जा रही है, पहले उसने हाथ को दी तो ऐसे हाथ ऐसे शिर किया, फिर ऐसे सिर कुछ किया होगा, फिर ये आगे मूव कर गया होगा, गई बात समझ में आ रही है। तो वेव एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है, तो ये और ट्रांसफर से तो आपको रस्सी में भी दिखाई देती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा और इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात समझिए। मान ले तेरे पास ऐसे एक रस्सी है, यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे तू इस रस्सी को हाथ में पकड़ के खड़ा है, गर्दन सीधी बना देता हूँ, ठीक है ऐसे। अब हमें मैं बताऊंगा मैंने हाथ कैसे किया ना, मैं बताऊंगा मैंने हाथ कैसे मूव करवाया है, और तुझे बताना वेव फॉर्म कैसे बनेगा। वेव फॉर्म समझ में आ रहा है, जो इसके अंदर रस्सी में जो डिस्टर्बेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे रस्सी में वेवफॉर्म ऐसा बनता है ना, बस इस तरीके का वेवफॉर्म बताना कैसा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं मैंने ऐसे किया, सिर्फ ये मेरा हैंड था, सही ढंग से देखना यहां से फील आएगी आपको चीज की, मैं ऐसे बोलूं मैंने हाथ को ऐसे करके ऐसे किया, मैंने हैंड से जो रस्सी थी, आप इतना फील कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं है। आप घर पे जाएंगे अपने किसी और बंदे से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, फिजिक्स घंटा नहीं देखी होगी, वही बता देंगे कैसा वेव फॉर्म बनेगा। तो तेरे को बताना ये चीज, अब ऐसे यहाँ पे रस्सी थी ऐसे बांध रखा, मैंने ऐसे किया हैंड ऐसे, हाथ को ऊपर ले गया फिर यहां तक लेके छोड़ दिया, तो कैसा वेव फॉर्म बनेगा। तो हाथ को कैसे किया मैंने पहले वाले केस में, हाथ को ऊपर लेके गया फिर हाथ को नीचे लेके आया, ये हैंड का मूवमेंट है आपके पास, दिस इज हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट,
हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें वेव कैसा बनेगा, तो वेव देख, पहले आप इसको ऊपर ले गए फिर नीचे ले गए, तो ऊपर एक कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा बना हुआ, जब ऊपर ले गए होंगे तो ऐसा फॉर्म बना हुआ, ऊपर ले गए तो रस्सी भी ऐसे ऊपर गई होगी, फिर आप नीचे ले गए तो ऐसा बनेगा, ऐसा वेव फॉर्म बनेगा इस तरह से। अरे दिखाई दे रहा है क्या, सिर्फ सोच के देख, तूने ऐसे करके ऐसे किया, पहले ऊपर किया तो पहले ऊपर वाले को बनाया ना, जब तूने हाथ को ऐसे करके ऐसे किया था, तूने इतने पार्ट को बनाया, कहां तक, इस वाले पार्ट को बनाया, इस वाले पार्ट को कब बनाया, जब तेरा हैंड ऐसे गया था, और इस वाले पार्ट को कब बनाया तूने, जब तेरा हैंड ऐसे नीचे गया था। फील कर पा रहा है क्या दोस्त इस बात को, चमक रहा है ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ को ऐसे करके नीचे लेके आएगा, ऐसे करके नीचे लेके आएगा तो ऐसा लूप बनेगा तेरे पास में, तो ये वेव फॉर्म है, क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा और समझते हैं, मान ले ऐसे स्ट्रिंग है और हमने जो हैंड को किया, पहले ऐसे किया फिर ऐसे पूरा नीचे लेके गया फिर ऐसे लेके आया, ये हैंड मूवमेंट है आपके पास, HM मतलब हैंड मूवमेंट, कैसे किया दोस्त देख, पहले हाथ को ऊपर ले गया फिर हाथ को पूरा नीचे लेके आया फिर ऐसे लेके आया, पूरा ये हैंड कैसा मोशन कर रहा है, हैंड आपके पास ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, वो SHM टाइप का मोशन है, और अगर साइनसोइडल वेव बनेगी तो एग्जैक्टली SHM आएगा, बात करेंगे बाद में। तो हैंड कैसे गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया फिर पूरा नीचे गया फिर ऐसे गया, समझ में आ रहा है, यहां पे ऐसे गया यहां पे जाके फिर मीर पोजीशन पे आकर रुक गया, बता कैसा वेव फॉर्म बनेगा। सबसे पहले इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, अगर तू फील कर पा रहा है तो, तूने बना लिया क्या, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा वेव फॉर्म बनेगा, ये ऐसा आगे ट्रेवल कर रहा है। अगर आप देखेंगे इतना पार्ट कब बना, जब ये हैंड आपका ऊपर गया, देखिए ऐसे गया हैंड, यहां से शुरू हुआ ये 1 2 3 और फिर वापस 4 पे ऐसे आया आपके पास, यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे आएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप ये ट्रांजिशन देख रहे हैं तो ये 1 से लेकर 2 में इतना पार्ट बना, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू, ये हो गया आपके पास 1 से लेके 2 का ट्रांजिशन, क्लियर। अब आप देखिए जब 2 से 3 पे आप आ रहे हैं, इसका नाम भी 2 है, ये 2 से जब 3 आ रहे हैं तो आप क्या किया, पहले आप यहां तक लेके आए तो यहां तक बना होगा ये वाला पार्ट आपके पास में, यहां से लेके पूरा यहां तक, दिस पार्ट इज कोरस्पॉन्ड टू पार्ट, दिस इज फॉर 2 2 3, और अगर आप इस वाले पार्ट की बात करें दिस इज फॉर 4 2 1। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई फिजिक्स नहीं है, अगर तेरे पास दिल है तो चीजों को महसूस कर सकता है, चीजों को फील कर सकता है, इमोशंस है, तो भाई सब फिजिक्स समझ में आ जाएगी, ये पार्ट समझ में आ जाएगी, ये देखना है सिर्फ, सोच के देखे तेरे आंखें बंद सोच के देखते, हाथ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर, तो कैसी वेव बनी, तो अपने आप दिखेगा अच्छा ऐसी वेव बनेगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आए तो आपको कमेंट सेक्शन बताएंगे, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से लगता है, मुझे लगता है कि बच्चा ये खुद देख के मतलब फील से समझ सकता है, बिकॉज दुनिया में उसने इतनी बार ये सब चीजें देखी है कि वो इसी को देख सकता है। फिर अगर आप एलियंस होते हैं, आपने कभी देखा ही नहीं होता रस्सी क्या होती है, रस्सी में वेव क्या होती है, तब अच्छा एक्सप्लेन करना पड़ता है, अच्छा ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे फोर्स लगा, ये ऊपर गया तो ये वाला पार्ट भी ऊपर गया, फिर इसको नीचे लेके आने की कोशिश की तो ये एनर्जी ऐसे कुछ आएगी, ऐसे कुछ आएगी। पर अभी आप इंसान हैं, आपने रस्सियों में वेव चलती हुई देखी है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और केस करके देखते हैं, अब क्या हैंड का मूवमेंट कैसा है मेरे पास, ऐसा हैंड का मूवमेंट बना देता हूँ ना मैं, यहाँ पे ऐसे रस्सी बनाया, यहाँ पे स्ट्रिंग, हैंड का मूवमेंट बच्चों ऐसा है आपके पास, पहले नीचे गया फिर हैंड ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, बताओ इसमें वेव फॉर्म कैसा बनेगा, हाथ को देख, मेरे हाथ को देख, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, ऐसे गया सेम बस बना दे बस ऐसे यार, ऐसे गया ये ऐसे घूम गया ऐसे वेव बन जाएगा, ऐसे तो गया पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, कर पा रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, इसमें जो वेव फॉर्म बनेगा आपके पास वो कुछ ऐसा बनेगा, फील करना यार, हाथ फिर मैं हाथ को देख, हाथ नीचे गया फिर ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे गया, तब वेव बन गई, एक्चुअल में हाथ ऐसे गया पर उसके कोर्स में जो वेव बना वो ऐसा ऐसा बना, हाथ हाथ कैसे गया नीचे ऊपर ऐसे, पर वेव फॉर्म कैसा बना ऐसे, वो भी सेम पैटर्न में जा रहा है आपके पास, समझ में आ रहा है, पर नीचे गया फिर ऐसे ऊपर गया ऐसे गया। इसमें अगर आप देखें तो मेरा हाथ कैसे गया, पहले ऊपर गया फिर ऐसे नीचे गया फिर ऐसे, तो वेव कैसा बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ आप ऐसे मूव करें पर थोड़ा खुद चल लीजिए ताकि वेव फॉर्म दिखाई दे जाएगा, क्लियर है। तो इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, ये हैंड का मूवमेंट है आपके पास, दिस इज हैंड मूवमेंट। अरे चमक रही है क्या बच्चों, बात कोई दिक्कत नहीं है, एक केस और करके तो मुझे बता दें फिर अपने इसको छोड़ देंगे, एक केस और करके बता कि मान लीजिए तेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रिंग है और हैंड का मूवमेंट कुछ ऐसा है, सिर्फ ऐसे करके कुछ ऐसे, कैसा है हैंड का मूवमेंट, ऐसे नीचे फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर, इतना ही आया, कैसी वेवफॉर्म बनेगी बता, तो आप बोलेंगे सर जी
कैसी वेव फॉर्म बनेगी? कुछ ऐसी वेव फॉर्म बनेगी, दिखाई दे रहा है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें होती है, एक टर्म होती है वेव पल्स, एक होता है वेव ट्रेन। वेव ट्रेन, वेव पल्स और वेव ट्रेन, मान लो मैं बोलूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही मतलब नाम बता के छोड़ूंगा, तो तेरे खुद को क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, वेव पल्स क्या होगा और वेव ट्रेन क्या होगा? ट्रेन मतलब कंटिन्यूअस चीज चलती रहेगी, मतलब जैसे आपने अगर ऐसे हाथ करके ऐसे रोक दिया तो अब भाई साहब एक पल्स बन गया, वो पल्स चलती जा रही है। जैसे इस वाले केस में आपने बस एक पल्स बनाई फिर छोड़ दिया, अब सिर्फ स्ट्रिंग में एक ही पल्स ही ऐसे मूव कर रही है, क्लियर? तो ये पल्स ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब एक बार आप थोड़ी देर के लिए मूव करवाया हैंड को, फिर मतलब जो सोर्स था उसको एक बार आपने शुरू किया फिर आपने बंद कर दिया, तो एक पल्स बन के रह जाएगा, वो पल्स चलती रहेगी। वेव ट्रेन में क्या है, सोर्स है वो कैसे कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, तो वेव भी आपके पास कंटिन्यूअसली फॉर्म होती रहेगी। आप समझ के देख, अगर यहां पर रस्सी बांधी हुई है मैंने ऐसे एक बार करके छोड़ दिया तो एक वेव फॉर्म बनेगा, वो आगे चल रहा है, तो दैट इज वेव पल्स। वेव ट्रेन में क्या, वैसे सोर्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, क्लियर? तो इसको आप वेव पल्स बोलेंगे। जैसे एक हम वेव बना के छोड़ देते हैं, This is wave pulse, ठीक है? अगर wave train होगा तो इसमें क्या होगा, source ऐसे continuously move करता रहेगा आपके पास, यहाँ पे ऐसे कुछ source है और ये source continuously move कर रहा है। This is wave train, मेरी बात समझ में आ गई? Wave pulse में क्या है, source एक बार move करके रह जाएगा, wave train में source will continuously produce disturbance। कहानी समझ में आ गई आपको, वेव पल्स और वेव ट्रेन की, ठीक है? तो हमने अभी इस वाले लेक्चर के अंदर इसका बेसिक आइडिया ले लिया, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें कुछ सवाल आने जैसा नहीं था, पर इसमें फील हमने ली है कि भाई साहब वेव क्या होता है, कैसा दिखता है, रस्सी पे कैसे ट्रैवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या है, मैकेनिकल, बेसिक जो आइडिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया। और इंट्रोडक्शन पार्ट की फील बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं भाई साहब नोट से देखा, नोट से बस ढंग से देखिएगा, जितने बढ़िया से आपको स्टार्टिंग में लेक्चर समझ में आते हैं उतनी कम दिक्कत आपको फ्यूचर के लेक्चर्स में आएगी, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर आपको आप ये मिनिमम आप ये जरूर बताइए अगर आपको चीज़ दिखी है, अगर आप देख पाए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए सर हाँ हमें चीज़ दिखी है, ताकि मास्टर को रहे हाँ भाई बच्चा सीख पा रहा है, ठीक है? ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।